हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है दोस्तों आपका ऑनलाइन जीके सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए 8 अलग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कल भी हमने 8 डिफरेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको बताया था। आज 25 मार्च का करंट अफेयर लेके हम आपके सामने आए हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी अपकमिंग वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चल दोस्तों, अब बिना किसी लेट के हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन में है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की वेद मुनि को पछाड़ कर ICC T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल कर ली है। हमारे ऑप्शन हैं शेफाली वर्मा, पूनम यादव, स्मृति मंदाना, मिताली राज। तो दोस्तों भारत की युवा विस्फोटक महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की महिलाओं की ताज़ा T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में एक बार फिर से पहले नंबर पर पहुंच गई हैं। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो है शेफाली वर्मा। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है, केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि PF में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर निम्न में से कितना कर दिया है, 10 लाख, 7 लाख, 5 लाख या 3 लाख। तो केंद्र सरकार ने भविष्य निधि PF पर ब्याज को कर मुक्त रखने के संबंध में कर्मचारियों के अधिकतम वार्षिक योगदान की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है, और ये जो बढ़ाया गया है वो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने पीड़ित जानवर को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। विश्व क्षय रोग दिवस वर्ल्ड टीवी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, हमारे ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 जुलाई, 24 मार्च या 15 नवम्बर। तो दोस्तों वर्ल्ड टीवी डे जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है, और हर साल 24 मार्च को टीवी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य इस वैश्विक बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसे खत्म करना है। चलिए पांचवा क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मुंबई पर कितने लाख का जुर्माना लगाया है। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय बैंक ने फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड मुंबई पर 15 लाख का जुर्माना लगाया है। ये जो जुर्माना लगाया है वो जो इनकी पॉलिसीज है उनके उल्लंघन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इन पर लगाया है। तो हमारा बी जो है 15 लाख रुपए का ऑप्शन वो सही होगा। छठा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेटीरोलॉजिकल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, 10 जनवरी, 20 अप्रैल, 23 मार्च या 30 अगस्त। तो दोस्तों 2 दिन पहले ही 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया गया था, तो इसका सही ऑप्शन सी 23 मार्च होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा केन बिताना लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। तो हाल ही में मध्य प्रदेश और जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने किन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, तो इसका जो है आंसर सी उत्तर प्रदेश होगा। चलिए आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस 2021 का विषय निम्न में से क्या है, इसके ऑप्शन है लिविंग नो वन बिहाइंड, वैल्यूइंग वाटर, वेस्ट वाटर और वाटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों जो विश्व जल दिवस 2021 है
मनाया जाता है, उसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि वाटर की हम लोग वैल्यू समझे, पानी का वैल्यू समझे और पानी को बचाएं। तो वैल्यूइंग वाटर, बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 8 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।